में जा रहा हूँ, जहाँ मुझे सैकड़ों की तादाद में जुगनू देखने को मिलने वाले, तो चलो चले। अभी मुझे यहाँ के लोकल विलेजर से बात करने का मौका मिला। इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनका जीवन जो है, बहुत सादगीपूर्ण है। और उनसे मैंने जुगनू के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। उनका कहना है कि जो जुगनू पहले दिखते थे उससे काफ़ी कम हुए, और यही मौसम में वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक महीने के बाद वो देखने को नहीं मिल सकते। जो एरिया है उसमें कई बार लेपर्ड और हाइना भी देखने को मिलते हैं, कई बार इनके घरों के आसपास भी आ जाते हैं मुर्गे और कुत्ते को खाने के लिए। पूरी काली रात है और ऊपर से लेपर्ड और हाइना दिखने को, बहुत ही डर लग रहा है पर मजा आने वाला है। पर आप जब भी कोई नया एडवेंचर, कुछ नया करने को निकलते हैं ना, और जब वो एडवेंचर ख़त्म होता है ना, तब पता चलता है कि डर लगे या कुछ भी हो पर मज़ा बहुत ही आता है। ऐसा ही कुछ नया एक्सप्लोर आज करेंगे हम वो जुगनुओं के साथ। ओ माय गॉड, व्हाट ए नजारा! इतना खूबसूरत नजारा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। बहुत ही बेहतरीन नजारा है। हम अभी डांग फॉरेस्ट में और हम जोर उठ से आए। यहाँ 3 से 4 किलोमीटर का एरिया पूरा जुगनुओं से भरा हुआ है। मेरी बाईं तरफ जो पेड़ है वो आपको मैं दिखाता हूँ, उस पर सबसे ज़्यादा जुगनू है। पूरा पेड़ जुगनू से भरा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मॉनसून के पहले पहले, यानी मॉनसून के 20-25 दिन पहले यहाँ डांग फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये इनका मेटिंग पीरियड है और इस टाइम पे सब एक साथ देखने को मिलते हैं। और जुगनू का जो लाइट है वो से अंदर की केमिकल की वजह से होता है, और ये 20 से 25 दिन तक ही देखने को मिलते हैं, उसके बाद फिर नहीं मिलेंगे। देखते ये जो छोटा सा देख रहे हो, ये जुगनू है जो पूरा ब्राउन कलर का है, उसके पंख थोड़े से गोल्डन कलर के, और जो ये पीछे का भाग है जो उसकी पूंछ है, यहाँ पे वो लाइट होती है और वहीं से वो जगमग जगमग दिखता है हमको। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये जुगनू
पहले हमारे घर के सामने, हमारे गार्डन के सामने देखने को मिलते थे, मगर अभी ये जब से इतने शहरीकरण होने लगा है तब से ये देखने को कभी नहीं मिल रहे। इसके लिए इतने दूर जंगल में आना पड़ता है, फिर भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। अगर हम इसी तरह जंगल का विनाश करते गए, और स्पेशली जुगनू को जो कम हुए उसकी मेन वजह है कि हम जो केमिकल और जो खेती में यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये जुगनू कम हुए, तो अगर ऐसा ही करते गए तो शायद आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए तो ये एक ड्रीम जैसा हो जाएगा, ये कहानी बन के रह जाएगा। तो कुछ तो करने की ज़रूरत है इसके लिए। वापस जाने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, पर जाना पड़ेगा। मगर सच बोलो दोस्तों, ये जुगनू ने तो मुझे सच्ची में मजनू बना दिया। यहाँ का जो पूरा माहौल था बहुत ही सुपर्ब, मज़ा आ गया। ऐसे ही नए नए एडवेंचर देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तभी के लिए अलविदा।